हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंद्रा शर्मा रसोई मम्मी की, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इंस्टेंट मिर्च का अचार बनाएंगे। तो इसके लिए ये जल्दी बन जाता है और धूप भी नहीं लगानी पड़ती और सर्दियों का टाइम है, मिर्च भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आप देखिए इसमें मैंने क्या क्या सामग्री काम में ली है। ये एक बॉल मैंने मिर्च ले ली है, उसको मोटी मोटी इसको काट लिया है मैंने। और ये है अचार का मसाला, जिसे मैंने थोड़ा हल्का गर्म पानी में भिगो दिया है ताकि इसके जो अंदर मसाले हैं सारे वो फूल जाएं। ये दाना मेथी है फ्रेंड्स, आधा बाउल है, छोटी प्याली है। ये दाना मेथी मैंने रात को भिगो दी और सुबह मैंने इसको इसको चलनी में छान ली। और ये सौंफ इससे डबल है, सौंफ को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया और इससे भी रात भर भिगो दिया और इसको भी इसके साथ मिक्स करके बनाएंगे। तो सौंफ और दाना मेथी सिर्फ दो ही चीज़ें ली है मैंने, और हल्दी है और अमचूर है। और ये अचार का मसाला है जो बाज़ार में रेडीमेड मिलता है। तो ये मिर्च को हम मोटी मोटी काट दी है और अभी हम बनाएंगे। ये रोस्टेड अचार मसाला मिलता है बाज़ार में, जो मैंने इसके अंदर करीब दो टीस्पून ले लिया है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा ही बना रही हूँ, हम घर में दो जने ही रहते हैं इसलिए। तो आप अपने मेंबर्स के हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये नॉनस्टिक पैन मैंने ये गैस लगा दी है और ये गर्म करने रख दिया है। इसके अंदर मैं ये ऑयल डालूंगी, ऑयल में डालूंगी करीब दो टेबल स्पून, ये दो टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा ढाई टेबल स्पून, इस तरीके से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये अचार जब तैयार हो जाएगा तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और 4-5 दिन तो आराम से इसे खा सकते हैं। तो आप एक बार बना लीजिए, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी। कोई सब्जी नहीं होगी तो आप इसके साथ खा सकते हैं। ये गैस धीरे कर दी है मैंने, तेल गरम हो गया है और पहले मैं मिर्च को फ्राई करूंगी। मिर्च को फ्राई करेंगे, थोड़ी सी हल्की सी करेंगे, हल्की सी फ्राई करेंगे मैंने। और इसी में हम ये सारे मसाले डाल देंगे, लेकिन मिर्च को पहले फ्राई करेंगे तो टेस्टी रहेगी। देखिए ये मैंने डाली है दाना मेथी, दाना मेथी डाल दी है, ये दाना मेथी सारी डाल दी है। और ये सौंफ है, सौंफ भी डाल दी है, इसे थोड़ा सा हिला लेंगे, फिर गैस मीडियम कर देंगे। और ये हल्दी डालेंगे, ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये अमचूर डाल दी मैंने, अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो ज़्यादा आप अमचूर डालिए। और क्योंकि इसके अंदर नमक मिर्च डले हुए हैं मसाले में, अचार मसाले में, इसलिए मैं इसको ऐसे ही डालूंगी। अगर आपको ज़्यादा नमक और मिर्च और ज़्यादा चाहिए तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इतना और ऐड कर सकते हैं। गैस थोड़ी धीरे कर दी है, अब ये मसाला मैं डाल रही हूँ। ये देखते हैं, ये सारा अचार मसाला मैंने डाल दिया है। फिर गैस तेज कर देंगे क्योंकि अभी इसके पानी को थोड़ा हमें सुखाना है। थोड़ा सा हम ढक्कन भी रख देंगे, हल्का सा ढक्कन रखना पड़ेगा ताकि ये मिर्च थोड़ी भाप में हो जाए। गैस थोड़ी मीडियम लो कर दी है, मीडियम लो है।
मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी डाल सकते हैं। बस ये 2-3 मिनट में हो जाएगी। मिर्च तो वैसे भी जल्दी गल जाती है, लेकिन ये मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो अचार जल्दी बन जाएगा। ये देखिए सारे मसाले डाल दिए, ये प्लेट रख देती हूँ। इसे हम थोड़ा सा इस तरह से खोल के देख लेंगे। ये देखिए मिर्च हो रही है। ये इंस्टेंट अचार है फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें अपने हिसाब से और मसाले डालने हैं तो आप डाल सकते हैं, और इतनी जल्दी बन जाता है ये। कोई सब्जी नहीं हो तो आप इसे खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, ऑफिस भी ले जा सकते हैं। ये इंस्टेंट अचार है। ये दाना मेथी और क्योंकि मैंने रात भर भिगोई थी ना, इसलिए ये जल्दी गल गई। और ये इसको कंटेनर में भर के रखेंगे ना, एयर टाइट कंटेनर में, तो ये और भी इसमें मसाले मिक्स रहेंगे तो ये और भी अच्छी लगेगी। ये मिर्च का अचार 2-3 दिन में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। ये मिर्च भी गलने लग गई है। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं सर्दियों में, ये बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए ये मैंने गैस बंद कर दी है। वैसे मैंने अमचूर डाली है खटास के लिए, आप थोड़ा नींबू भी प्लस कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, और 3-4 दिन आराम से चलेगा। और पराठे के साथ खाइए, नान के साथ, रोटी के साथ, और चावल वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी है इंस्टेंट मिर्च का अचार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।